अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और संडे के दिन हम जा रहे हैं भाई कब्रिस्तान, अप्पू की कब्र पे जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन मुसलमान की बख्शी की मगफरत फरमाए। तो अगले महीने नवंबर है और 5 नवंबर को मेरे पापा की बरसी भी है, तो जितने भी मेरे पापा के फैंस हैं तो फिर दुआओं में याद रखें और दुआएं मगफरत ज़रूर कीजिएगा अप्पू के लिए। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप सिकंदर भाई की कब्र दिखाएं किधर है, हम जाना चाहते हैं। तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए बताऊँगा कि कोरंगी 1 नंबर चक्राकोट के अंदर अबू की कब्र है। तो भाई मैं आपको चक्रा के जब कब्रिस्तान के रूट पे चढ़ूंगा तो मैं कब्रिस्तान के रूट की वीडियोस बना के बताऊंगा कि किस तरफ से आना है और कौन से गेट से आपने एंटर होना है और कितना अंदर जाके अबू की कब्र है। वैसे तो वहाँ पे पानी वाले भाई होते हैं हमारे राशिद भाई, जो गेट पर बैठे होते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको। आप उनसे पूछेंगे सिकंदर सलम की कब्र किधर है, वो आपको कब्र तक पहुँचा देंगे। फिलहाल जाते हैं कब्रिस्तान और अपने प्यारों की कब्रों पर जाया करें। इससे ये रहता है कि आपको एक तो अपने प्यारों की याद रहती है और आपके प्यारे भी इंतज़ार करते हैं कि हमारी कब्र पे कोई आएगा हमारे लिए फातिहा पानी करेगा। तो कब्र की देखभाल ज़रूरी है, जो आप नहीं जाएंगे तो कब्र को ज़ाहिर बात है वो ग्रेवयार्ड वाले डिमोलिश कर देते हैं, कब्र ख़त्म हो जाती है। फिर ज़ाहिर बात है उसमें दूसरी बॉडी को दफनाया जाता है। तो वो कहते हैं ना कि एक कब्र से 70 मोड़ तो उठेंगे बरोज़ क़यामत, तो ऐसे ही उठेंगे ज़ाहिर बात है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, चलते हैं कोरंगी कब्रिस्तान। देखिए जैसे कि ये है नासिर जंप और आप कोरंगी क्रॉसिंग से जब आएंगे नासिर जंप की तरफ, तो नासिर जंप से आपने होना है सीधे हाथ पे टर्न होना है। ये देखो वो सामने वो बनी हुई है जो इसकी निशानी रख लें, क्योंकि आप सीधा तो जब टर्न होंगे तो ये डायरेक्ट जाएगा चक्राकोट कब्रिस्तान की तरफ। ये आ रहा है क्रॉसिंग से रास्ता, क्रॉसिंग से आप जैसे आएंगे नासिर जंप, नासिर जंप से सीधे हाथ पे ये जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ रास्ता। आप जैसे नासिर जंप पे पूछेंगे, नासिर जंप से आप सीधा हाथ पे टर्न करेंगे, सीधा हाथ पे टर्न करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे फिर आपके लेफ्ट हैंड पे रास्ता जा रहा होगा, आपने उस लेफ्ट हैंड पे रास्ते को फॉलो करते हुए आना है आगे कब्रिस्तान की तरफ। ये देखें जैसे हम लेफ्ट पे टर्न हुए, ये थोड़ा रोड बन रहा है नाला वगैरह, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी है। ये सत्तू वाला भी खड़ा है, अगर आपका दिल चाहता सत्तू भी पी लीजिएगा। हाँ, आप लेफ्ट हैंड पर आपके आप ऑर्फन हाउस की आप निशानी रख सकते हैं। ये देखिए ये आ गई इस्माइल अकेडमी कैंपस स्कूल, इस्माइल अकेडमी कैंपस 2 ये स्कूल है, तो जामा मस्जिद इब्राहिम भी निशान रख सकते हैं आप। ये है अल मुस्तफ़ा अकेडमी और अल मुस्तफ़ा ऑर्फन हाउस भी कहलाता है। अब आगे से जैसे ये रोड ख़त्म होता है तो वहाँ से फिर हम लोग राइट पर टर्न करेंगे कब्रिस्तान के लिए, अभी तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये फिर हमने कब्रिस्तान के लिए टर्न करा उल्टा से, ये देखें सामने एहसान ब्लॉक प्रीकास्ट नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये भी हम निशान रख सकते हैं। ये फिर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह ये है कराची, खूबसूरत सा कब्रिस्तान है। यहाँ पे लोगों का आना जाना तो इतना है पर कचरा भी माशाल्लाह से भरपूर है भाई, ये है कराची। अच्छा, अब ये निशानी भी रख सकते हैं जामा मस्जिद कौसिया रिजविया, रास्ता ख़राब होने की वजह से ज़ाहिर बात है हम लोग गली से टर्न होकर आए। तो ये है अब यहाँ से कब्रिस्तान हो गया स्टार्ट और मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि कौन से गेट नंबर पर आपने आना है। जामा मस्जिद नगीना मदरसा आंटी रिजविया, ये है पहला गेट, ठीक है ना। गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 छोड़ दिया है। और फिर ये देखें दरबार हाफिज़ मरकज़ रूहानी, ये भी आपने छोड़ा क्रॉस किया। फिर ये है हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़हीर अहमद मुज़फ़्फ़री साहब का मज़ार और ये है हमारा गेट नंबर 2, ठीक है ना। ये गेट नंबर 2 है, आपने गेट नंबर 2 में अंदर घुसना है। ये है नूरानी मार्बल हमारे राशिद भाई का और राशिद भाई साहब पूछ सकते हैं यहाँ पर। और ये फिर हम लोग अबू की कब्र की तरफ जाएंगे। ये है नूरानी मार्बल, ठीक है ना, अब इनसे पूछ सकते हैं नूरानी मार्बल वालों से सिकंदर सलम की कब्र कहाँ है। अब ये कब्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अबू की गेट नंबर 2 याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जाहिर बात है थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ दादी की दादा की हमारे सबके तकरीबन रिश्तेदारों की कब्रें आई हैं, तो अबू को भी यहीं मुकर मिल जाए। और बस इससे ज़्यादा बाइक आगे नहीं जा सकती हमारी, हम यहीं करेंगे बाइक को पार्क, ठीक है ना। कब्र की निशानी रख सकते हैं हमीदा बनो नेम की, ठीक है ना। आप यहाँ से आपने बच बचा के अब ज़रा जाना है कब्रों को। अबू की कब्र पे जा रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश मगफरत फरमाए। चल रहे, ठीक है। ये है ये ताए की बेटी की कब्र है, ये हमारे मामा की है। और ये आ गए हम अबू की कब्र पे। ये है मेरे दादा सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन जैतपुरी, ये मेरी हमारी खाला हाजी यानी जीनत बेगम, ये मेरी दादी यानी की कब्र है आयशा बीबी, मेरी दादी की कब्र है आयशा बीबी। और ये मेरे पापा की कब्र है सैयद मोहम्मद सिकंदर सलम। और ये है
मेरे बड़े ताए की कब्र जिनका रिसेंटली भी इंतकाल हुआ है 6 जून 2023 बरोज मंगल को। जी तो दोस्तों ये है मेरे वाले साहब की कब्र, सैयद मोहम्मद सिकंदर सिकंदर सनम मेरे ताया है, मेरे दादी की कब्र है, मेरे दादा की भी कब्र है, यहाँ पे मौजूद है। तो आई होप कि आपने इस रूट को देख लिया होगा और वीडियो के जरिए मेरे आप अगर आप कब्रिस्तान आना चाहते हैं, कब्रिस्तान आते हैं या कोरंगी में, बहुत से लोग जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बोलते हैं, जो पर्सनल मैसेज करके पूछते थे कब्र का, तो मैंने आज प्रॉपर वीडियो बना के बता दिया रूट के ज़रिए भी और कब्रिस्तान के एंट्रेंस गेट नंबर 2 चक्राकोट कब्रिस्तान। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो कॉर्नर पर नूरानी मार्बल वाले, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर राशिद भाई होते हैं हमारे जो मिस्त्री हैं, उनसे पूछेंगे, उनका कोई भी बंदी से आप पूछेंगे सिकंदर सनम की कब्र पर जाना है तो वो आपको बिल्कुल कब्र तक लेकर आ जाएंगे। तो बस ये है कि वीडियो बनाने का मकसद कि अपनी दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों की कब्रों पर आया करें। इससे मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि हमारे जो अजीज़ जो दुनिया से चले जाते हैं, बस उनको एक यही आस होती है कि कोई हमारा अपना प्यारा आएगा और हमारे लिए मफ़रत की दुआ करेगा और उनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा, क्योंकि कल हमने भी इस दुनिया से जाना है और ज़ाहिर बात है आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल हमारे लिए कोई पढ़ेगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। 5 नवंबर को मेरे पापा की बरसी है, तो जितने भी फैंस मेरे पापा के मुझे देख रहे हैं सिकंदर सनम ऑफिशियल यूट्यूब से और सनम्स ऑफिशियल फेसबुक से, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और जो भी हो सके मेरे पापा के लिए पढ़ के बख्शिएगा ज़रूर। अपनी दुआ में याद रखिएगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश मगफरत के लिए दुआ करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।